हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू हम पेर स्पेस। आज हम बनाएंगे हेल्दी ओट्स उपमा। ओट्स उपमा बनाना बहुत ही इजी है, हम इसे सिर्फ 10 मिनट में बना सकते हैं। ओट्स एक हेल्दी इंग्रेडिएंट है, इसमें हम ढेर सारा वेजिटेबल्स डालकर उपमा बनाएंगे तो ये और भी ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं ओट्स उपमा। ओट्स उपमा बनाने के लिए पहले हम ओट्स को एक पैन में डालेंगे और थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। यहाँ पे मैंने 1/3 कप ओट्स लिया है, इसे हम तेल या घी के बिना ही रोस्ट करेंगे। जब ओट्स अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे, इसे हम एक प्लेट पे निकाल लेंगे। और हम इसी सेम बर्तन में 2 टीस्पून जितना तेल ऐड करेंगे और इसमें थोड़ा सा राई, थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा उड़द दाल ऐड करेंगे। जब उड़द दाल थोड़ा सा ब्राउन होना शुरू हो जाएंगे, इसमें हम फाइनली कट किया हुआ 1 ग्रीन चिल्ली ऐड करेंगे और 2 टेबलस्पून जितना फाइनली कट किया हुआ ऑनियन, 1/2 इंच फाइनली कट किया हुआ जिंजर और 2 से 3 करी पत्ता को फाइनली कट कर ऐड करेंगे। अब हम इन प्याज को थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक कुक करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑनियन थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट और सॉफ्ट हो चुके हैं। इसमें हम 2 टेबलस्पून फाइनली कट किया हुआ बीन्स, 2 टेबलस्पून फाइनली कट किया हुआ गाजर और 2 टेबलस्पून फ्रोजन मटर ऐड करेंगे। सारे वेजिटेबल सॉफ्ट होने तक इन्हें कुक करेंगे। 2 से 3 मिनट इन्हें कुक करने के बाद इसमें हम स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे और 1 पिंच जितना टर्मरिक ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिलाएंगे और इसमें पानी ऐड करेंगे। 1/3 कप ओट्स के लिए मैंने 2/3 कप पानी ऐड किया है ताकि हमारे वेजिटेबल्स भी इसमें अच्छे से कुक हो जाएं। पानी में एक अच्छा सा उबाल आने तक वेट करेंगे। जब अच्छे से पानी में उबल आ जाएगा, इसमें हम रोस्ट करके रखा हुआ ओट्स को ऐड करेंगे। जब ये अच्छे से उबल जाएगा, पानी का क्वांटिटी भी थोड़ा कम हो जाएगा। हमें 1/3 कप ओट्स के लिए 1/3 कप ओट्स से 1 स्पून जितना ज्यादा पानी रहना चाहिए। अब हम इसमें ओट्स डालेंगे और अच्छे से मिलाएंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया पत्ता भी ऐड करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ओट्स डालकर मिलाने के बाद इसमें थोड़ा सा ही पानी दिख रहा है, इतना ही पानी रहना चाहिए। अब हम इसे ढक के पकाएंगे ताकि हमारे ओट्स अच्छे तरीके से पक जाए। आपको ओट्स उपमा बहुत ज्यादा सॉफ्ट चाहिए होगा तो आप इसमें थोड़ा और ज्यादा पानी भी ऐड कर सकते हो। अब हमारा वेजिटेबल ओट्स उपमा रेडी है, इसे हम तुरंत ही सर्व करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है, सो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस हेल्दी रेसिपी को शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।